स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। टाटा स्टील की शत प्रतिशत सब्सिडायरी वाली कंपनी टाटा स्टील UISL यानी जुस्को कर्मियों के लिए भी इस वर्ष खुशखबरी लेकर आई है। इस वर्ष बोनस के मद में कुल 692 कर्मचारियों के बीच 7.40 करोड़ की राशि बांटी जाएगी। इसके तहत बोनस का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। टाटा स्टील की शत प्रतिशत सब्सिडियरी वाली कंपनी टाटा स्टील UISL के कर्मचारियों को इस साल बोनस के मद में 7.40 करोड़ रुपये दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 को लेकर मैनेजमेंट और यूनियन के बीच बोनस का समझौता हुआ। इसके तहत कुल 692 कर्मचारियों के बीच कुल 7.40 करोड़ रुपयों का बोनस दिए जाएंगे। इसके तहत बोनस का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 यानी 3 साल के लिए बोनस का फॉर्मूला शुक्रवार को टाटा स्टील UISL के MD ऋतुराज सिन्हा और जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे ने समझौता पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर उप श्रमायुक्त राकेश कुमार भी मौजूद थे। बोनस को लेकर जो फॉर्मूला तय किया गया है उसके तहत कंपनी के प्रदर्शन पर आधारित है, जैसे करों से पहले लाभ, सुरक्षा प्रदर्शन, शिकायतों का अनुपालन, टॉप बॉक्स, ट्रांसमिशन और वितरण हानि पाने के खर्च, ग्राहक संतुष्टि सूचकांक, बार बार शिकायतें, उत्पादकता और अच्छा प्रदर्शन, इन सभी पर यह कंपनी को अपने मिलती रहेगी। पिछले साल यूनियन की मान्यता नहीं होने के कारण मैनेजमेंट ने बोनस की राशि एक तरफा भेज दी थी। पिछले साल 7.37 करोड़ रुपये बोनस के मद में दिए गए थे। पहले के फॉर्मूले के तहत बोनस पात्रता विभिन्न मानकों पर कंपनी के प्रदर्शन पर आधारित थी। एक अच्छा एग्रीमेंट किया और 7.40 करोड़ रुपया बटेगा, फ्राइडे के अंदर में मिल जाएगा और जो बोनसेबल अमाउंट था है वो 0 और 37.95 22-23 का जो है इसी BDA जो है इसी पर हमारा बोनस गया है। और मिनिमम और मैक्सिमम जो हम लोग बता रहे थे पेपर वर्क जिनका JS2 है उसका 30,881 रुपया, JS4 है 94,231 रुपया, JS K13 है जो टाटा स्टील का ट्रांसफर एम्प्लाई सुदीप्तो जी का 3,25,000। पहले बोनस हो गया और आज बोनस हुआ, इसीलिए हम लोग तो खुश हैं, साथ में एम्प्लाई भी खुश है कि पूजा का पहले और अच्छा बोनस समझौता आज 29-9 को संपन्न हुआ। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शादाब जफर शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची। यहां मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल को सिर्फ एक जुमला बताया है। जिला कांग्रेस द्वारा परिसदन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता, महिला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा समेत तमाम जिला कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। बातचीत के क्रम में महिला कांग्रेस की अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शादाब जफर ने बताया कि केंद्र सरकार ने विगत दिनों महिला आरक्षण बिल लाया जो केवल चुनावी जुमले हैं और ऐसे जुमले वर्ष 2014 से देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को देते आ रहे हैं। सिर्फ तभी नहीं, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने जो है वो महिलाओं को के लिए 33% आरक्षण की बात करी गई, फिर उसके बाद लगातार एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, हमने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल को लाए, उसको पास किया, लोकसभा में जब वो बिल आया तो 7 मतों से वो बिल गिर गया। 7 मतों में 4 दिग्गज के नेता थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया, उसमें LK अडवाणी जी शामिल थे, उसमें अटल बिहारी जी शामिल थे जिन्होंने मुंह के बल इस बिल को गिरा दिया। 2019 से लगातार भाजपा की सरकार है, लगातार सोनिया जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस बात की मांग कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इसको अब आपकी पूर्ण बहुमत है, ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। तो जब उन्हें लगा कि अरे हम तो अब चुनाव हार जाएंगे, अब तो कोई बात है नहीं, सारी बातें अनशन गलत सलत जिस तरीके के झूठे जुमलों के बावजूद कोई चीज़ अब कोई शगुफा काम नहीं कर रहा है, तो एक हवा में महिला आरक्षण बिल की बात कर दी गई। अगर वाकई भाजपा महिलाओं के पक्ष में सोचती है तो जब कुलदीप सेंगर ने उन्नाव में एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था तो मीडिया और प्रियंका गांधी जी की आवाज उठाने का इंतजार क्यों किया भाजपा ने और तुरंत उसको बर्खास्त करके जेल क्यों नहीं भेजा।
सेशन 21 से 23 तक के बीएड के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि आवंटित नहीं किए जाने से परेशान छात्र छात्राएं शुक्रवार को उपायुक्त के पास पहुंचे। पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न कॉलेजों के लगभग 250 छात्र छात्राओं के समक्ष छात्रवृत्ति की राशि को लेकर समस्या उत्पन्न हो गई है। छात्रों को कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए रंभा बीएड कॉलेज की छात्रा ने बताया कि केवल ये समस्या रंभा कॉलेज की नहीं बल्कि पूर्वी सिंहभूम जिले की लगभग सभी कॉलेजों की है। सर, हम लोगों की मांगे ये है कि हम लोगों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। हम लोग 21-23 के छात्र हैं और रंभा कॉलेज के हैं, तो आप ही बताइए, अगर छात्रवृत्ति नहीं आई है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे। हम लोगों का एग्ज़ाम का फोर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भी फिलअप हो रहा, हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर यहाँ से वहाँ चक्कर काटे कि हम लोग का भी कल्याण का पैसा आएगा, हम लोग पढ़ाई करें। तो इस तरह से हम लोग की पढ़ाई में बहुत कब से नहीं मिला छात्रवृत्ति का पैसा। सर, फर्स्ट सेमेस्टर से बहुतों का नहीं आया है और मेरा सेकेंड सेमेस्टर का नहीं आया है, समझे। तो हम मेरा तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों का ही नहीं आया है, लेकिन बताइए, बहुत से स्थिति मेरे कैंडिडेट बहुत कोई है, आप ही बताइए, हम लोग छात्रवृत्ति के दौड़े की पढ़ाई करें। घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत पंचायत के ग्रामीणों को विगत 3 माह से राशन मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत जोड़सा पंचायत के लगभग 600 ग्रामीणों को विगत 3 माह से राशन नहीं मिल रहे हैं। पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई एवं ग्रामीणों को राशन मुहैया कराने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार तमाम जनवितरण प्रणाली के दुकानदार राशन नहीं देने को लेकर तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। विगत 3 महीनों में तकरीबन 600 ग्रामीणों को राशन उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इससे तमाम ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। बताइए। हम लोग घाटशिला प्रखंड गालोडिया जोड़ीसा और बड़बीर का मिला हुआ दोनों गांव का आदमी आया है। हम लोग को 3 महीना से राशन नहीं मिला है। हम लोग को राशन चाहिए, गरीब लोग पूरा परेशान में है। किसी का हांडी भी नहीं, अभी हांडी में चावल है, वो लोग परेशान में पूरा एकदम गरीबी छा गया है। बड़बीर जोड़सा का गाँव का आदमी को उसका लिए डीसी मैडम से हम लोग का निवेदन है कि जल्द से जल्द हम लोग का अनाज मिले, हम लोग का कार्रवाई किया जाए। क्या बोलता है डीलर? दिलाल बोल रहा कि हम लोग को चावल नहीं मिला है, अंगूठा ले लिया 1 महीना का, उसका चावल नहीं दिया है। अच्छा, कितने लोगों ने? किसी को नहीं दिया है? नहीं, 600 कार्डधारी है। सुंदरनगर स्थित खुकड़ाडी हाई स्कूल में शिवम शिल्प कला एवं राधे कृष्ण ड्रेसेस के योगदान से बच्चों के बीच सांस्कृतिक एवं कला से संबंधित वस्त्रों एवं खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। सुंदरनगर स्थित खुकड़ाडी हाई स्कूल में शिवम शिल्प कला की अध्यक्षा मधु सिंह एवं राधे कृष्ण ड्रेसेस की हीना फिचड़िया, देवेंद्र फिचड़िया, अरुण जी एवं अन्नू जी के सामूहिक योगदान से बच्चों के बीच सांस्कृतिक एवं कला से संबंधित वस्त्र, आभूषण एवं खाद्य पदार्थ को वितरण किया गया। इन सभी ग्रामीणों के वितरण का मुख्य उद्देश्य बच्चों के द्वारा किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम को अब बेहतर तरीके से सुसज्जित होकर करवाना है। जिस तरह निःशुल्क पुस्तक, कॉपी एवं चीज़ों का वितरण किया जाता है, उसी तरह पोशाकों का वितरण कर यह पहल की गई है, जिसे बच्चे पाकर काफ़ी प्रफुल्लित नजर आए। हर बच्चों, थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं तरुण जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसा कि कहा गया कि यहाँ पे हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आने वाले समय में होते हैं या जो भी उत्सव स्कूल में होते हैं, तो हमारे शिवम शिल्पकला केंद्र एक NGO है जिसमें कला से रिलेटेड या भी जो भी वेलफेयर होता है वो हम लोग करते हैं। और बच्चों के साथ का जो प्रोग्राम होता है, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो या नृत्य के क्षेत्र में हो, वो सब चीज़ को हम लोग करते हैं और लोगों से मिलते हैं। और हमारे साथ राधे कृष्ण ड्रेसेस, ये काफ़ी पुरानी आंटी पूरे जमशेदपुर में वो परिधान को, वो कॉस्ट्यूम को वो देती हैं। और उनका ये रहता है कि वो जुड़ी हमसे, मिली हमसे, कि ऐसे वो कार्यक्रम करती रहती हैं, बट उनका था कि कुछ वैसे जगह पे जाए जहाँ पे बच्चे अभी नवरात्रा या जो भी प्रोग्राम होते हो उसको पूरे कॉस्ट्यूम के साथ और ज्वेलरी के साथ या जब पूरी तरह से उसको तैयार होकर के पहनते हैं
तो वो जो भी प्रोग्राम जो होता है वो और खूबसूरत हो जाता है। तो हम सब यहाँ पे आए हैं आप लोगों के साथ ये ड्रेसेस ये ऑर्नामेंट्स देने के लिए, और आप लोग इसको पहन करके ये कुछ प्रोग्राम करके हम लोगों को फोटोग्राफ्स भेजेगा तो हम लोगों को अंतरात्मा से बहुत खुशी मिलेगी। गोविंदपुर क्षेत्र की जनता को अब लगता है खराब और जर्जर सड़क से निजात मिलने वाली है। मंत्री बन्ना गुप्ता एवं क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी के प्रयासों से यहाँ 7.2 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्राकलन तैयार किया गया है। गोविंदपुर में सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। मुख्य सड़क से तमाम इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और इसमें जल जमाव होने से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही थी। इसको लेकर स्थानीय जिला परिषद डॉक्टर परितोष सिंह ने लगातार राज्य सरकार एवं स्थानीय विधायक के समक्ष सड़क को बनाए जाने का आग्रह किया, जिसे स्वीकृति मिल गई है। आगामी 1 अक्टूबर को यहाँ 7.2 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु शिलान्यास किया जाएगा। 5 करोड़ की लागत से इस योजना को पूर्ण किया जाएगा। एक वर्ष को हम लोग चुनौती के रूप में लेते हुए और गोविंदपुर के विकास में नया आयाम लिखने के लिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस जेएमएम की सरकार है, हम लोग पिछले एक वर्ष से परेशान थे इस सड़क को बनवाने के लिए। जो सरकारी प्रक्रियाएं होती हैं सबको पता है कि हम लोग इसके लिए नवंबर महीना से ही प्रयासरत थे और 31 मार्च को इसका फंड अलॉट हुआ कैबिनेट से, और टेंडर की प्रक्रिया पूरी होते होते 31 जुलाई को टेंडर फाइनल हुआ है। और अब यह जो जैसा विधायक जी ने कहा कि गोविंदपुर का यह ऐतिहासिक दिन है कि यहाँ पर 5 करोड़ की योजना गोविंदपुर के अंदर कभी नहीं आई थी और यह कांग्रेस सरकार ने दिया है 5 करोड़ यहाँ, और एक आज़ादी के बाद जो सड़क थी खकड़ीपाड़ा से लेकर खैर बनी तक 5 करोड़ की, वो 10 करोड़ रुपया की योजना हम लोग लाने का प्रयास किए हैं। आज पूरे देश भर में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस भागदौड़ भरी दिनचर्या में हृदय को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसे ध्यान में रखकर WHO द्वारा 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। WHO 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे का आयोजन करती है, जिसमें यह संदेश होता है कि कैसे हम अपने हृदय को तरोताजा रख सकें। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की ओर से वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा मोटर्स अस्पताल प्रबंधन और टाटा मोटर्स के सभी स्टेक होल्डर्स ने हिस्सा लिया। इसमें टाटा मोटर्स के तमाम अधिकारी शामिल हुए और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। टाटा मोटर्स प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने प्रशासनिक भवन के समीप से वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो टेल्को एरिया में घूम घूम कर लोगों को हृदय से संबंधित रोगों एवं इससे बचाव को लेकर जागरूक करते हुए पुनः टाटा मोटर्स अस्पताल के पास आकर समाप्त हुआ। टाटा मोटर्स सिक्योरिटी विभाग PNC ने बताया कि छोटी छोटी गलतियों के कारण आज देश में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हम लोग एक वॉकेथॉन आयोजित किया है हमारा हॉस्पिटल एंड टीम, जिसमें हमारे सारे स्टेक होल्डर एम्प्लाईज हैं या अगल बगल के लोग हैं, यूनियन के प्रतिनिधिगण हैं, ये लोग सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें लोगों को अवेयर करना है कि आपको भी जानकारी है कि एक हार्ट ऐसा चीज है जो आपको बीमारी होने पर बहुत ज़्यादा समय नहीं देता है, तो लोग उसके प्रति अवेयर रहें, अपने हार्ट को ठीक रखें। उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आप रेगुलर मूवमेंट करना। रेगुलर मूवमेंट संभव है जब आप मॉर्निंग में वॉकिंग करते हैं, या वॉकिंग से आपका फिटनेस बना रहता है, आपका हार्ट अच्छा काम करता है, आपका लाइफ बढ़ता है। तो ये इसी के प्रति एक अवेयरनेस है और मुझे उम्मीद है कि इसको करने से हम लोग जो समाज में और अवेयर होंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारे समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है।
चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की दर में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं हो। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।